सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्रेश नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनली सैमसंग की तरफ से एक ऐसा फोन लॉन्च होने वाला है जिसका काफ़ी लोगों को इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग अपनी गैलेक्सी एम सीरीज़ में एक नया फोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है दोस्तों गैलेक्सी M51। 10 सितंबर को सैमसंग अपनी एम सीरीज़ में एक नया फोन लॉन्च करने वाला है जिसमें आपको दोस्तों काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या है इसका की फीचर और क्या इसकी प्राइस होने वाली है, ये सब हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इसके की फीचर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि सैमसंग के जितने भी एम सीरीज के फोन आ रहे हैं उनको दोस्तों मॉनिटर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उनमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों, उसी तरीके से सैमसंग आपको इस फोन में भी एक बड़ी बैटरी देने वाला है जो कि दोस्तों इस बार 7 MAH की बैटरी होने वाली है। दोस्तों, जो फीचर मैं आपको इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ वो फीचर एकदम कन्फर्म नहीं है, लेकिन 90% दोस्तों जे ऐसा ही आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 90% देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों इसके हाईलाइट की बात करें तो इसमें हमें एक 7 MAH की बैटरी देखने को मिल सकती है जो कि एक काफ़ी बड़ी बैटरी दोस्तों जिसका नाम मॉनिटर रखा जाता है। आपने देखा होगा सैमसंग जितने भी फ़ोन आते हैं एम सीरीज के उनमें हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, तो इस बार दोस्तों हमें सैमसंग की तरफ से एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 7 MAH की बैटरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो चार्जर मिलने वाला है वो चार्जर थोड़ा छोटा है, 25 वाट का पार्ट चार्जर है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कहूँगा कि 25 वाट का चार्जर है आपकी बैटरी को 1.5 से 2 घंटे में चार्ज कर ही देगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सैमसंग जब भी कोई नया फोन लॉन्च करता है तो दोस्तों उसके हर फोन में ज़्यादातर Exynos के प्रोसेसर होते हैं, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बार देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 730G। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आपको इसमें हैवी गेमिंग करते टाइम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसमें अपनी मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है दोस्तों 730G, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जो कि हमें रियलमी और सोमी के फ़ोन में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इस बार दोस्तों सैमसंग अपने इस फ़ोन में हमें Exynos का प्रोसेसर नहीं देगा, इस बार हमें 730G दे सकता है। दोस्तों, जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है जो कि 6.7 इंच की हो सकती है, जिसमें दोस्तों आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा जो कि फुल HD प्ले डिस्प्ले हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा सैमसंग जितने भी फ़ोन आते हैं उनमें ज़्यादातर हमें सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होती है, क्योंकि दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले जो होती है उनमें हमें काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन के रियर में हमें 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सैमसंग का जो कैमरा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे हम अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं और वीडियो भी अच्छी बना सकते हैं। दोस्तों, इसके फ्रंट में हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी सेल्फी अच्छी सी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये फ़ोन 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, इसके अंदर हमें बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, इसकी डिस्प्ले है वो भी हमें काफ़ी बड़ी मिलने वाली है। और दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है वो इस बार हमें Exynos की जगह स्नैपड्रैगन 730G मिलने वाला है। दोस्तों, ये फ़ोन जो है ये काफ़ी तेलका मचाने वाला है मार्केट में। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो इस फ़ोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सैमसंग लवर हो और आप कोई फ़ोन खरीदना चाह रहे हो दोस्तों, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन जो आ रहा है इसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हो। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस अगर 20 से 25 हज़ार के अंडर होती है तो ये फ़ोन मैं बोलता हूँ काफ़ी अच्छा होगा। ये बोलूँगा कि 7 MAH की बैटरी के साथ दोस्तों ये पहला फ़ोन होगा जो इंडिया में लॉन्च होगा। और दोस्तों, इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसमें हमें ग्लास बॉडी देखने को मिलेगी या भाई प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, ये तो हमें फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग अपने ज़्यादातर फ़ोनों में प्लास्टिक बॉडी देता है, जिसको हम ग्लास्टिक बॉडी ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो देखने में एकदम ग्लास जैसी लगती है लेकिन होती प्लास्टिक है। लेकिन दोस्तों, इस फ़ोन में हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा और इसकी क्या प्राइस होने वाली है ये हमें कन्फर्म 10 तारीख को ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप कुछ दिन में वेट कर सकते हो। अगर आप सैमसंग लवर हो और आपको सैमसंग के फ़ोन चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कुछ टाइम का वेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन मार्केट में काफ़ी तेलका मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग के अंदर इस बार हमें वो सब देखने को मिल रहा है जो अब तक मैं सोमी और रियलमी के अंदर देखने को मिलता आया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप सैमसंग लवर हो और आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो या फिर आप अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हो तो आप कुछ टाइम का वेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।